I mean कोरी, so I'm, I'm uh, नुक नजर से बयान करूंगा एंड ऑल्सो Sorry, let let me. me uh, I I to to turn the the screen. Anyways, okay. तो we, been, we mentioned about IMM. Uh, Please uh, let me ask the audience to mute their mics. आप सबसे दुर्खास्त की जाती है कि मेहरबानी से अपने माइक्स को म्यूट कर दें कुछ लोगों की तरफ से आवाज आ रही थैंक यू यस प्लीज ओके Uh, uh, बयान किया जेफ मेन्शन आई एम एम और जेफ ने भी कई बार आई एम एम का तस्करा किया आई एम एम एक्टैंडल मिशन मोबिलाईजेशन IMM International Mission Mobilization, which is uh, actually we are focusing to mobilize and recruit missionaries from newly sending, missionary sending country like uh, India or Philippines or Vietnam and like Pakistan too. और हमारा मकसद ये है या नुकता नजर यह है कि हम मुख्त से मिशनरियों का तर करें जैसा कि इंडिया और फिलिपीन वेतनाम और आखर में पाकिस्तान भी है so my session, will be too long this आज शाम मेरा सेशन जो है वो ज्यादा लंबा नहीं होगा और मैं चाहूंगा कि आप सवाल भी आखिर में मुझसे करें why our मैंने दरख्वास्त की हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर लुइस से कि वो भी इस सेशन में हमारे साथ शामिल रहे और अगर मैं जल्द अपने सेशन को रोक दू तो मैं आपको मौका दूंगा कि आप सवाल करें और हम आपको जवाब देंगे

किलोमीटर की दौड़ जो है वो मुकम्मल करनी होती है नुक्ता आगाज में कई हजार लोग इसमें शमूलियत करते हैं the race, many gave up. लेकिन दौरान दौड़ बहुत से लोग जो है, वो few, हैं वो जाते हैं पीछे हट जाते हैं महज थोड़े से लोग जो हैं वो हतमी लकीर को जाकर छूते हैं Okay, now this is uh, the we call full marathon course. And then once he touched the finish line, then he will be the winner. He, he ran 42.1.9 kilometers successfully and he touched. फिनिश लाइन फर्स्ट और उस शख्स ने बयालीस एक किलोमीटर की दौड़ मुकम्मल की होती है और वो फते हैं गोल्ड मेडल दिया जाएगा या दिया जाता है और हम उसे इस रेस का दौड़ का चैम्पियन कहते हैं And then he will get single award, gold medal. और Major, उसे सिंगल अवार्ड या एक अवार्ड जो है वो दिया जाता है गोल्ड मेडल के तौर पर But there is we call road relay. और एक और मैराथन होती है जिसे हम रोड रिले कहते हैं सो देर आर मैनी रिले और जो टीमें हैं वो रिले की शक्ल में इसमें होती है Uh, तरतीब uh, लोगों की देख सकते हैं जिसमे ए टू थ्री एट है बी दो सौ अठतीस ये तरह तरह की जो टीमें हैं इनको इकट्ठा किया गया है किलोमीटर so four people will fulfill the full course of marathon, which is 42.1.1.2 or das kilometer tak harjo grohe usko monsieur kardeja dathe or persare melkar biulis kilometer kieresko mukamal karengi. so each team, a, he will learn, run first and b, second. c is a third and d is a fourth runner. फिर आखिर में जो ए है वो पहले होगा बी दूसरा होगा सी और बाद में फिर डी आएगा यू सी दे 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 रनर्स होल्डिंग बटन्स एंड देन रन फॉर ओन और हर जो शख्स है दौड़ने वाला उसके हाथ में एक बटन है और वो अपनी जो टीम है उसके लिए दौड़ लगाता है ऑल ऑफ दिस पीपल बेस्ट टू रीच The finish line as a champion. और ये तमाम टीमें जो हैं अपनी भरपूर कोशिश करती हैं ताकि लकीर को छुए और फाते हो जाए kilometers. और हर एक टीम को दस किलोमीटर से ज्यादा दौड़ लगानी होती है और ये जो शख्स है इसने ये तीसरे नंबर पर है इसने बैटन जो है अगले शख्स को दे दिया है और वो उसे लेकर आगे जाएगा। यू कैन सी the taller th one. He did, he looks, he did all his best to run for his team और उसके चेहरे को देखकर महसूस हो रहा है कि उसने अपनी भरपूर कोशिश की है अपनी टीम को जताने की। And then, finally, they, firstly, they touched finish line.

और वजह यह है कि मैंने क्यों ये सब बयान किया मैं आपके सामने अंजील की जो रिले है बारी बारी जो अंजील को आगे फैलाना है उसके ताल्लुक से बात करूंगा Yesterday, Patrick shared about this. और कल पैट्रिक जॉनस्टन ने इसके ताल्लुक से बयान किया था और आज सटन ने भी कुछ इसके ताल्लुक से बात की थी So, as we all know that the worldwide gospel spread it, of course, before, as Luis mentioned, there are many other people groups like Moravians or Jesuits, they did. But the modern world mission actually they started 19, 18th century from Britain. और इससे पहले लुईस सेटर्न ने बयान किया कि बहुत से ग्रो या बहुत से लोग आए जिन्होंने पूरी दुनिया में बेनक्रवानी सतह पर मिशन को फैलाया लेकिन 19वीं सदी में असल में जो मिशन का फैलाव है वो हमारे सामने برطانیہ से नजर आता है एस वी ऑल ऑन द स्टूड ब्रिटिश पीपल दे स्प्रेडिड द गस्पल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द

इन्होंने हजारों के हिसाब से मिशनरी दुनिया में भेजे हैं इवन द अमेरिकन मिशनरी हत्या की अमेरिकी मिशनरी कोरिया में भी पहुंचे हैं And they the to Korean, Korean और उन्होंने कोरियन लोगों तक अंजील फैलाई है then, then, uh, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने अपना किरदार अदा किया है New और न्यूजीलैंड और के लोगों ने मिशन को फैलाया है they also, they और इन्होंने भी मिलकर दुनिया के कई खितों में मिशनरियों को भेजा है Then, next one, और उसके बाद इज अम माई कंट्री कोरिया

You see, uh, in, in those short period of time, American people, they got confused. And as we know that drugs and hippies, it was spread in all nations, even beyond America.

और उन दिनों में हम जानते हैं कि अमेरिका वेतनाम से एक जंग लड़ रहा था और इसकी वजह से पूरे अमेरिका में अमेरिकी हकूमत के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी वेतनाम में जंग ना लड़ी जाएज और इससे बहुत से लोग उलझ कर रह गए और वो फिर feminist. नारे लगाते रहे कि जंग को खत्म किया जाए खत्म किया जाए और हमारे लोगों को वापस घर में बुलाया जाए। time, feminism, feminist, right और इसी दौरान औरतों के हकूक की एक तहरीक भी शुरू हो गई वुमेंस और औरतों का इनकलाब बरपा हुआ उन्होंने कहा कि हम बराबर हैं और अब हमारा वक्त है अब औरतों की तहरीक है And also racial turmoil. और फिर नस्ली जो तफरका था उसके तालुक से भी बात हुई लिबरेशन और फिर पूरे अमरीका में सिया फाम लोगों ने आजादी

और बिला शुबा अमेरिका मिशनरियों को भेज रहा था लेकिन इसी दौरान खुदा ने नए मिशनरियों को चुनना शुरू कर दिया और वो कोरिया के चर्च से उसने चुना था स्मॉल नेशन कोरिया small country. एक छोटा सा मुल्क है कोरियन चर्च दे अपीयरड और फिर कोरिया का जो चर्च है वो दुनिया के नक्शे पर उभर कर आता है सो द कोरियन मिशनरी दे दे अपीयरड टू द वर्ल्ड मिशन रेस और फिर जो कोरियन मिशनरी है वो दुनिया के मिशन की जो रेस है दौड़ है उसमें शामिल हो जाते हैं और फिर अमेरिका से कोरिया के लोगों ने बेटन जो है वो हासिल कर लिया है सो यू सी दंट्री कोरिया कैन यू कंपेयर विद कोरियन, विदियन दाकिस्तानी वेरी वेरी स्मॉल और क्या आप हमारे मुल्क का मुजना अपने मुल्क के साथ कर सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा मुल्क तो बहुत ज्यादा छोटा सा है I don't know how many of you know about Korea. We, our country, we were dominated, colonized by Japanese. और आप में से शायद बहुत से लोग जानते हों कि कोरिया जो है किसी वक्त में जापान की एक कॉलोनी थी. So as you your country Pakistan become independent 1946 or 47. Almost yes. the same time, our country Korea, we were freed from Japanese colonialism, 1945. So our country, we were so, so,

Communist people, they attacked the South. शुमाल से जो कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने जनूब में लोगों पर हमला कर दिया सौ पचास में कोरिया की जंग छिड़ गई कॉन so थ्री और, 1953. और ये जो जंग है तीन साल तक जारी रही सो एज एज यू नो एज यू हर्ड आई आवर कंट्री डिस्ट्रॉइड टोटली और फिर आप देख सकते हैं तस्वीर में कि हमारा पूरा मुल्क जो है वो तबाह हो गया था डिस्ट्रॉय दिटीज और शहर तबाह हो गए डिस्ट्रॉय ब्रिचिज और फिर जो पुल हैं वो भी तबाह कर दिए गए होम्स एंड हाउसेस घर तबाह हो चुके थे एंड वी लॉस्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स और हमने लाखों जाने गवा दी थी एंड वी लॉस्ट टेन ऑफ थाउजेंड फैमिली मेंबर्स

और अभी तक वो जो लोग एक दूसरे से जुदा हो गए थे हजारों की तादाद में अभी तक वो एक दूसरे से नहीं मिले हैं And many, many children, they lost their open. और बहुत से बच्चों ने अपने वाले खो दिया और वो बच्चे यतीम हो गए uh, और हमारे लोगों के पास कोई उम्मीद बाकी ना रही Because country was devastated completely. और पूरे मुल्क का जो है बुरा हाल हो चुका था मुकम्मल तौर पर तबाही हो चुकी थी we lost all. हमने सब कुछ खो दिया था एंड्रीमस्ट ने हमारा मुल्क पूरी दुनिया में एक गरीब तरीन मुल्क बन गया था

Domestic products per person per capita was a 75 U.S. dollars. GDP you can imagine now Korean GDP per capita is 35,000 dollars. But you can imagine how poor we were. 2020, you can see that GDP is. पैंतीस हजार डॉलर है लेकिन इस बात पर गौर करें कि उस वक्त हम बहुत ज्यादा गरीब थे और ये जो छोटा सा कोरिया का चर्च है ये तकसीम हो चुका था They, the God used the poorest nations for His mission.

हमारा मूलक अगरचे बहुत गरीब था In 1970s कोरियन चर्च वी सेंट आउट 5 ओवर 500 मिशनरीज टू ओवरसीज और फिर 1970 की दहाई में हमने 500 से ज्यादा मिशनरी दूसरे ممالک में भेज दिए थे इन 1980s ओ कोरियन चर्च वी सेंट आउट ओवर 2000 मिशनरीज टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड और 1980 की दहाई तक हम पूरी दुनिया में 2000 से जायद मिशनरी भेज चुके थे और फिर 2010 तक हम 30000 से ज्यादा मिशनरी पूरी दुनिया में भेज चुके हैं

बारी बारी हमने हिस्सा रिले और अब मैं आपको जो मौजूदा है, दुनिया के मिशन की उसके तालुक से बताता और जैसा मैंने कहा कि बर्तानिया ने पूरी दुनिया में मिशनरियों को भेजा But now what happened? अब क्या हुआ है ब्रिटिश वरना हिंदुस्तान में है वो थक चुके हैं इस तो और इस और अब उनके लिए मुश्किल है दौड़ लगाना या दौड़ना एंड ब्रिटिश मिशनरीज इट वाज बिफोर लाइक दिस और पहले जो मिशनरी भेजे जाते थे برطانیہ से But अब now, ऐसा नहीं है ब्रिटिश रनर टुडे और अब जो है ऐसा ऐसी सूरत हाल नहीं है। डिक्रीज्ड। अब कमी आती जा रही है। रिड्यूस्ड। और बहुत ज़्यादा कमी आती जा रही है। प्रिटिश मिशन्स डिक्लाइंड लाइक दिस। और इस तरह से ग्राफ में आप देख सकते हैं कि बर्तानवी मिशन जो है वो बतदरीज़ बत नीचे होता चला जा रहा है। और बद अमेरिकन और अमरीकी जो दौड़ लगाने वाले हैं उनके मतलब आपका क्या ख्याल है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि अमरीका जो है हजारों मिशनरियों को पूरी दुनिया में भेज रहा है What's going on with Americans? अब अमेरिकी जो है वो किस सूरत से दो चार हैं

और अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनका जो शुमार है वो कम होता चला जा रहा है Still they send the largest numbers to all over the world, but now the numbers, American missionary numbers, are declined. Obviously. फिर भी हम देखते हैं कि उनका शुमार दुनिया में मिशनरी भेजने में सबसे ज्यादा है लेकिन दूसरी जानब ये जो मिशनरी सेंड का भेजने का जो रुझान था वो कम होता जा रहा है

Australian, Australian burners, they lost their momentum. अब उन, भी अपनी रवानगी को खो दिया है so, Australian before, पहले ऑस्ट्रेलिया के जो दौड़ लगाने वाले जो मिशनरी थे उनकी ये सूरतहा थीनियन ब्रोन अब आज ये जो ऑस्ट्रेलवी जो दौड़ लगाने वाले हैं उनकी तादाद भी कम होती जा रही है Reduced. कम होती जा रही है मिशनरी नंबर और मिशनरी भेजने का जो शुमार था तादाद थी वो कम होती जा रही है What about Korean runners? Our country, Korean church, Korean runners. और कोरिया के मुतल आपका क्या ख्याल है जो कोरिया से दौड़ लगा रहे हैं As I said,

The are और मैं अगर इसको वाज तौर पर बयान करूं तो इस तरह से है कोरिया के, के जो मिशन भेजने का रुझान था वो भी कम होता जा रहा है बिलाशुबा इनका ज, इनकी जो तादाद है वो कम होती जा रही है सो इज कुरियन मिशनिंग नोर

सुपुर्द किया गया है। We have to reach to them as early as possible। हमने उन लोगों का जो इस दायरे में आते हैं, उन तक जितना जल्द हो सके पहुंचना है। World Church, we have to pay attention, focused to reach those people। हमने पूरी दुनिया के जो लोग हैं, उन्होंने इस सारे खत्ते तक पहुंचना है, इसको अपने ध्यान में रखना है। और इसने रीज़िये। लेकिन ये आसान काम नहीं है हार्ड टू रीच इन लोगों तक पहुंचना मुश्किल है वेरी हार्ड टू रीच बहुत मुश्किल काम है स्पेशली लाइक दिस कंट्री वे फैमिलियर कंट्री और ये एक बहुत ही ऐसे ऐसा मुल्क है जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं आप देख सकते हैं एंड आल्सो दिस कंट्री टू और उसके साथ दूसरा मुल्क है इसके भी आप वाकिफ हैं इसको आप देख सकते हैं For us, to get in. हमारे लिए तो इन मुमालक तक रसाई करना बहुत ही मुश्किल है। और इस मुल्क का हाल यह है कि यहाँ तक हमारे लिए पहुंचना नामुमकिन है And also this place, और ये जो दूसरा मुल्क है इसको भी आप देख सकते हैं इस तक भी हमारे लिए पहुंचना नामुमकिन है आपके मुल्क पाकिस्तान तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है सो मिशन इज नॉट continued। और मिशन जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ और इंजील को जो बारी बारी हमने पूरा करना है वो काम जारी है so इसलिए हम सवाल करते हैं कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो ये काम कर सके हम चिल्लाते और पुकारते हैं कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो इन इलाकों तक पहुंच सके सो so स्पेश In those, in those और और oh, so आपके लिए ये मुमालिक जो हैं आप इनसे वाकिफ हैं लेकिन हमारे लिए इन तक पहुंचना बहुत yeah, ज्यादा we, मुश्किल है we keep asking,

i don't know whether you recognize those people but anyway मैं नहीं जानता कि आप इन चेहरों से वाकिफ हैं या नहीं है लेकिन मैंने कोरिया में मिला so while you having fellowship he asking where i from और जब मैंने इनसे पूछा और मुलाकात की तो मैंने पूछा कि आप कहां से हैं this is from pakistan और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं why should i said, you doing here और मैंने पूछा कि आप फिर यहां पर क्या कर रहे हैं The और फिर हमने जवाब दिया कि हम यहाँ पर सवाल किया के मकम, तालीम के, करने के बाद आप फिर क्या करेंगे said, we'll और हमने जवाब दिया कि हम वहाँ पर जाकर चर्च तेंगे और फिर हमने कहा कि हम वहां पर जाकर बाइबल सेमिनरी में जाकर तालीम देंगे I said, Do you have a church stay? और फिर मैंने सवाल किया कि क्या आपके मुल्क में चर्च He भी है? That... Yes. और उन्होंने जवाब दिया हाँ हाँ हमारे मुल्क में चर्च हैं। I said, Where about in a, in Pakistan? और फिर हमने सवाल किया कि पाकिस्तान के कौन से इलाके में चर्च हैं? है और फिर हमने जवाब दिया हम तो लाहौर से हैं। One said, I'm from और एक ने जवाब दिया मैं तो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखता हूँ और एक ने जवाब दिया कि मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ और फिर हम ये मुतजस्स से पूछना चाहते थे की पाकिस्तान में लाहौर किस जगह पर है

और मैंने फिर सवाल किया और हैरानी का इजहार किया कि क्या आप वाकई संजीदा हैं He said yes. और जवाब मिला हाँ हम संजीदा हैं और फिर मैंने सवाल किया कि आप वहां पर जाकर सेमिनरी में तालीम देंगे क्या वहां पर सेमिनरी oh और हमने जवाब दिया कि हमारे इलाके में तो कई सेमिनरियां हैं शायद दस से ज्यादा हैं।

और फिर हमने जवाब दिया ये तो हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान और फिर ये जो मुल्क है ये हमारा हमसाया है हम एक दूसरे को देखते हैं हमारे आमने सामने है line, 2600 wow! और वहां पर जो बॉर्डर की लाइन है वो दो हजार सौ चालीस किलोमीटर लंबी है I asked him, can you see those people? और मैंने जो सवाल पूछा कि क्या आप उन लोगों को देख सकते हैं yes. जवाब दिया जी हाँ हम उन लोगों को देख सकते हैं लसानी तौर पर जुबान के लिहाज से हमारी जुबान एक दूसरे से मिलती हैं

हमारे कुछ इलाकों में दरी जुबान बोली जाती है और फारसी जुबान बोली जाती है और समझी भी जाती है said, और फिर सवाल किया और फिर हमने दिया के इनके साथ भी हमारा जो बॉर्डर है वो मुलहका है और एक बॉर्डर लाइन भी मौजूद है। बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी एक हाथबंदी है। ओवर 900 किलोमीटर लॉन्ग। और ये जो है हाथबंदी 969 किलोमीटर तवील है। आई वाज अमेज्ड। अब मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। अभी दिमाग

और ना सिर्फ ये दोनों मालिक हमारे करीब हैं, बल्कि चीन भी हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान uh, the और फिर हत्या के चाइना के साथ भी हमारी एक बॉर्डर लाइन या हदबंदी है you see, in their

और हती के सिर्फ लाहौर में ही यह दादोशुमार शायद ठीक ना भी हो लेकिन तकरीबन पांच लाख मसीही और चार हजार तकरीबन चर्च और दस सेमरी और बाइबल कॉलेज जो हैं इस तरह से तीस हैं ये बहुत हैरानी की बात है दिस इज आपके पास बहुत बहुत ज्यादा बड़ी जो है वो कुवत मौजूद है

और जैसे मैंने कहा कि जो कोरिया के लोग हैं वो थक जा थक चुके हैं या थक रहे हैं वी हैव टू टच वी हैव टू पास दिस बटन टू द नेक्स्ट रनर और ये जो बटन है हमने अगले दौर लगाने वाले के हाथ में सौंप देना है सो वी ट्राइड टू गिव द बटन टू नेक्स्ट रनर और ये जो बटन है हम अगले दौर लगाने वाले के हाथ में देना चाहते हैं

क्या आप इन इलाकों में खुदा के काम के लिए जा सकते हैं for you is much, much than us. आप के लिए इन इलाकों तक रसाई करना हमारी निस्बत बहुत ज्यादा आसान है आपके लिए अमरीकियों से ज्यादा आसान है कि इन इलाकों तक पहुंचे फॉर यू इज मच मच इजेट और आप लोगों के लिए इन लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा आसान काम है। जैसा मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि कानूनी तौर पर कोरियन के कोरिया के लोग जो हैं वो इन इलाकों तक रसाई नहीं हासिल कर सकते यू माइट नो हाउ इज फॉर यू टू गेट देयर आप शायद जानते हैं कि इन इलाकों तक रसाई हासिल करना आसान है। So, even those places

और हम इस बात की तो बरतानवी लोगों ने जो काम किया लाइकन पेपर डीट अमरी अमरीकियों ने जो काम किया लाइकियन पेपर डीट और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने जो काम किया like Korean people, Korean और कोरिया की ने जो काम किया Church, और मैं इस बात का ख्वाहिशमंद हूं कि पाकिस्तानियों आप भी So, this is my challenge. challenge As I always said, Luis and myself and Jeff, all of us, we want to go to your place and sit by you, you with face to face, and we want

जो uh, रुकावटे हैं या महदूद काम है उसका सामना है But this way we'll go लेकिन इस तरह से हमेशा नहीं चलेगा जल्द बदेर हम चाहेंगे कि हम आपके साथ आपके पास आए और अपने तजर्बात आप तक पहुंचाए माई लास्ट वर्ड और मेरे आखिरी अल्फाज ये हैं अब आपकी बारी है। आपने भी खुदा की बादशाह के लिए दौड़ लगानी है यू कैन डू इट आप सब ये काम कर सकते हैं

It's your turn. अब आप सब की बारी है। It's your time to run. अब है अब आपका वक्त कि आप May the Lord bless you and your church. खुदा आप दौड़ लगाएं। खुदा सबको और आपकी कलीसिया को बरकत दे। so, 30 minutes. अब कुछ वक्त है तकरीबन 30 तक्रीण minutes तक्रीण I have।

और जेफ यहां पर मौजूद हैं आप हमसे सवाल कर सकते हैं और हम चाहेंगे कि आपको इनके जवाब दें आप बिला झिझक सवाल कर सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं ओके टाइम फॉर क्वेश्चनिंग और ये वक्त है कि आप सवाल पूछ सकते हैं अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो एक हाथ का इस तरह से बटन है उस वो आप रेज कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन सा शख्स जो है वो uh, सवाल पूछना चाहता है जी सिस्टर uh, उजाला के ग्रुप में से सवाल पूछना चाहते हैं सम पीपल आर क्वेश्चन फ्रॉम उजाला को अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज और आप सवाल पूछ सकते हैं फ्रॉम सिस्टर उजाला ग्रुप

जो कलाम या इबादत अच्छी लगी लेक्चर अच्छा लगा तो आप कुछ बयान कर सकते हैं शर्माए नहीं अपना माइक आप ऑफ कर अनम्यूट करके आप उर्दू में सवाल कर सकते हैं बिला झिझक कोई मसला नहीं है इंग्लिश में सवाल कर सकते हैं उर्दू में कर सकते हैं जरूर सवाल पूछिए आप जी वो है। आ जी जी आ, अगर आ आप कोई सवाल पूछना चाहते जी

बता रहा हूँ में खुदा बड़ा काम कर रहे हैं और उम्मीद है सर बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुदा बड़े से काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर बहने हैं और खुदा उनको बड़ी अगर खुदा कर उनको मिला है और वो गैरों ने वो खुदा उनको दी है और बड़े खुदा मौजदात कर रहा है सर आमीन प्रेज तो गॉड खुदा के नाम का जय नाम हां जी सर खुदा बल्कि पूरी एरी में खुदा काम कर रहा है लेकिन मेरा सिर्फ क्वेश्चन है कि काम बहुत हो रहा है लेकिन उस लिहाज से जो है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा अच्छा। तो उसमें बैरियर एकदम शेयर करना चाहूंगा शायद आप एग्री करें या ना करें जी सर, सर ऐसा है कि हमारे जो लोग खासकर जो लेडीज जो है अगर वो कलाम शेयर करती हैं तो उनकी मोस्टली उनकी ड्रेसिंग ठीक नहीं होती सर तो अच्छा। हमारे जो ये जो एरिया है ये लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्रेसिंग पे बड़ा ध्यान देते हैं और वो उनका उनका फोकस इस चीज पे है तो हाँ। आ, हमारे जो फीमेल प्रीचर है उनको अपने ये नहीं कह सकते हैं कि अपनी ड्रेसिंग पे और स्पेशली जो उनका गेटअप होता है यानी कह सकते हैं आप उनकी कह सकते मेकअप या जैसे स्टाइल है और बगैर वो आ, सारे डके भी वो प्रीचिंग कर रही होती हैं दुआ कर रही होती हैं जो कि एक बैरियर है कि उस उनकी वजह से ये लोग ठोकर खाते हैं कि ये दुआ कर रहे हैं लेकिन इनकी ना ड्रेसिंग अच्छी है और ना इनकी कह सकते हैं कि आ, आ, तो इनका जो अपना स्टाइल जो है वो ठीक नहीं है याद है कि दुबैया लोग का होना चाहिए और दूसरा मेरा ये सर के आ, हमारे लोग जो है वो आ, दो लेवल में होते हैं लेकिन जब उनको कोई डोनर्स मिल जाते हैं बड़े पैसे आ जाते हैं तो वो फिर वो सिर्फ उनकी प्रीचिंग नहीं होता उनका टारगेट उनका टारगेट पैसा और क्रिश्चियन जो है वो कंट्रीज जैसे यूएसए लो कनाडा ऐसे लोग उनका टारगेट प्रीचिंग नहीं बल्कि उनका टारगेट क्रिश्चियन जो कंट्रीज uh, है वो बन जाते हैं वो टारगेट से हट जाते हैं ये हाँ कुछ बैकर इस पे हमें डिस्कस जरूर करनी चाहिए और शेयर करना चाहिए ताकि लोग हां जी शुक्रिया मेरा उम्मीद है आप जो मैं कहना चाह रहा आपने समझ लिया होगा हाँ जी थैंक यू जी।, जी बहुत शुक्रिया मैं आपके सवाल की समझ आ गई और मैं चाहूँगा कि मिशन के ताल्लुक से वो बात कर रहे हैं और ये स्कॉलर्स हैं ख़ुदा के मिशन को फैलाने के लिए ये यकीनन चर्च के मसाइल होते हैं इस तरह से तो इन्हें चर्च में डिस्कस करना चाहिए और मिशन के ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ उसको यहाँ पर इस फॉरम पर रेज करें तो मैं ज़रा इंग्लिश में बता दूँ उन्हें सर दे आर फ्राम रईव वन ऑफ द प्लेस इन लाहौर एंड दे आर शेयरिंग अबाउट देर टेस्टमोनी एंड दे आर saying that वी रियली इंजॉयड वी आर रियली ब्लेसड बाई योर सर्बन It was very informative for us. And uh, we are a church in Riven, one place in Lahore. And uh, we are growing. We are God is working among us. We are Pentecostal denomination. And God is really moving with us. And but they have one concern. And they are saying sometime some Western people they give donations to some people, indigenous people when they give donations to some indigenous people, the people from our country, they lose their focus from the mission or from the church work. so what can you say about that? Good. Uh, luis, you want answer it first or let me answer you. you go ahead. okay. Uh, well, that is the most sensitive part, actually. Uh, uh,

So uh, kind of kind of इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसको इस तरह से देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो पूरा हिसाब किताब ले जब इस तरह के काम हो इफ हेल्प कमिंग इन टू मे बी नॉन बिलीवियस माइंड और अगर इस तरह के जो मदद है किसी गैर ईमानदार शख्स की तरफ से आती है तो हमें उसकी uh, कोई, uh, फिकर नहीं, नहीं। kind of अगर किसी चर्च की तरफ से या किसी ईमानदार की तरफ से कोई मदद आती है तो फिर हमें उसका पूरा पूरा हिसाब देना चाहिए ओके एनीवेज यू यू हैव You want to say something about it? Uh, sir, One uh, minute, please. Luis please answer. One more speaker. Then you can definitely ask question. Next, your turn, next. Yes, please. Uh, the only thing I'll say is, uh, yes, uh, we, on behalf of all Americans, I ask forgiveness for things that we have not done

Uh, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और पुरजोश हूँ कि इकट्ठे मिलकर काम करना बहुत अच्छा है yeah. इसके अलावा जो हम कोरी, uh, कोरियन क, कोरिया के लोग हैं हमने भी बहुत सी ऐसी गलतियाँ की हैं और uh, अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया

If you have any question regarding the mission or regarding the lecture, you can please ask, and later on we can explain about uh, the the procedure or all the way or the process. If you want to become a missionary, do you want to go to any other country. Yeah. Alright. Uh, thank fine. you. Thank you. Thank, thank you, you so much. Yes. <laughs> uh, yeah. Please. Uh, yes, please.

और ये जो अपने कॉलेज है नेशनल क्रिश्चियन कॉलेज वहां पर बैठे हुए हैं यस वी आर सिटिंग इन आवर बाइबल कॉलेज एंड फॉर योर ऑल स्पीकर्स इनकरेजमेंट आई वांट टू टेल यू दैट बाय द एंडिंग ऑफ 2020 वी हैड स्टैंड आर पास आउट 494 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर कॉलेज टू पाकिस्तान and uh, about 10 people we trained them and sent other countries so that is a great achievement by the grace of god and this is encouragement for you thank, thank you wow you did a great <laughs> job our speakers key hosla liye dr Saab you know char so nervous

जी कोहाट में ए जी एक कॉलेज है वहाँ पर ब्रदर इमरान रेवरेंड इमरान की वसातर से लोग बैठे हैं जी प्लीज जी सर हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और मैं टीचर हूँ चूंकि हम एक ऐसे इलाका में केपी के -पी में रहते हैं और हमारा वास्ता होता रहता है ऐसे गैर मजाहब के लोगों से तो हम जब यसु मसीह की उनके साथ बात करते हैं तो कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ और मेरे साथ भी ये वाक़ हुआ कि जब हम यस्सुम मसीह की बात करते हैं तो वो जानना चाहते हैं यस्सु मसीह के बारे में और ऐसे हमारी एक स्टूडेंट जिसने ये बात की यस्ु मसीह की बात की तो उन्होंने कहा कि हम बाइबल आपकी लेना चाहते हैं लेकिन उसके बदले में उन्होंने कहा कि आपको हमारा कुरान भी लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि हमारे इस माशरे में काफ़ी मुश्किल हैं कुरान लेना और आपको पता है कि काफ़ी मसाइल बन जाते हैं तो इस जब ऐसा मरहला हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं आ, mm -hmm. uh, भाई इमरान कुछ कहना चाहेंगे इस सवाल को आगे बढ़ाना चाहेंगे या मैंने एड्रेस किया है क्वेश्चन उनके साथ ऑलरेडी लेकिन शायद उनकी ख्वाहिश है कि वो यहाँ पे फोरम से पूछना चाहते हैं तो ठीक है के ये बड़ा जी देर इज वन टीचर फ्रॉम वन ऑफ द बाइबल कॉलेज इन कोहाड़ पिशावर And he's asking a question. Many times they have and they are, they encounter uh, non-believers, and uh, when they share about Christ to them, mm -hmm. those people they say, "We want your Bible." And when they give their Bible to those people, on in in exchange they want their book. To, well, they want to give their book to us as well. So in that situation, uh, what's your comment? Should we take their book and should we accept their book or what should we do? Their book means their Quran book or what? Uh, yeah, sure. I just I was just hiding. Uh, yeah, please. <laughs> Luis, uh, interesting question. Yes, Luis, <laughs> you can answer. It. Well, for me, I don't Hello. mind. If they want If we, they if they won't have our Bible, okay, we can give okay. them. Yes. And then uh, they won't give the Quran. Why not? We can take it, but whether we read it, there's different stories. But anyway, keep the Bible. I don't think it's a bad idea. Just if they want really for their genuine purpose to read, why not? Okay, okay. Uh, yeah. Reverend Byungkuk का जवाब ये है कि अगर कुछ लोग आपसे Bible लेना चाहते हैं और अपनी किताब आपको देना चाहते हैं, तो आप उने Bible दें। और उनकी किताब लें और ये फर्क बात है आप उनकी किताब पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन ये अच्छी बात है कि आप अपनी बाइबल दें और लोग बाइबल को पढ़ें मेरे न, uh, मेरे नज़दीक ये बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल है uh, जी ब्रदर uh, इमरान प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे yeah, uh, And no, no, and i'm here. explaining you. i'm explaining you actually. taking that book is sometimes difficult because, you know, usually people can make issue out of it that you, uh, so you know, miss so the book. yeah, that's why they are scared to take that book. that's the that's the question. actually. okay, anyway, that's good. i mean, that's why you need a wisdom why this person want. if you want to use it, the toilet paper, you better not keep. <laughs> uh, <laughs> हमें बड़ी समझदारी से किताबें देनी और लेनी चाहिए अगर कोई अच्छे इरादे से पढ़ना चाहता है तो जरूर दें शुक्रिया <laughs> जी कोई और सवाल अगर आप करना चाहें तो जरूर प्लीज या देर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम पास्टर इरफान नजीर एंड प्लीज Uh, sir, good evening. First of all, I congratulate you on this brilliant conference. We have learned a lot. I am a student as, as well as a Bible teacher. I'm teaching uh, students uh, from eighth grade to second year. Uh, I have a question What is the basic criteria to join your team? What is the academic qualification. If someone wants to join your team, kindly inform us because I have different students of different levels. Levels, for example, first year, second year, or graduation. They want to join your team. And what is the basic criteria? Well, there is no specific criteria, but anyway, we need uh, workers overseas. Firstly, I mean, if that's why you like a teacher, when you see any candidates. Screen by yourself first. We okay. don't mind first year, second year, third year, or we don't even pursuing doctor degrees or pastors. Okay. We are okay. not, but we are just who has got missionary calling. Then, if the your side, on your side, well, this student or this man or this woman, she or he is a missionary candidate. I strongly, I mean, recommend him or her, then we will take, you know, your reference. That is the best way. You know, we don't, there's no specific criteria as we are asking for. But of course, good Christians and missionary calling in his heart, you know, you know calling for the lost soul in you know, overseas, yes. Thank you. Uh, let me explain this. Uh, yeah, do you have one more? And, uh, uh, yes another suggestion it, mm -hmm. it's a very good conference mm -hmm. it should be held after two or three months mr Rassim, if you don't yes, mind yes, please yes, yes. we <laughs> have learned a lot we have learned a lot <laughs> yeah, 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 and, yeah. I, and it is i think it's the first time in pakistan I, yeah. I think so so we should focus on mission work because we are focusing on healing or uh, and other things or tithing, and because there is no teaching on missions, so it should be held after two or three months. I am always Hello. with you. Thank you thank so you. much. Thank you so thank much. You. Thank you. Thank you. Our international director he is hearing about this, so yeah. he will look for good speakers. Yes. Uh, thank you. Thank, thank you. you. <laughs> At least Saturn is hearing uh, those things, and uh, I hope they are uh, having some. Uh, थैंक like, यू uh, yeah. और सवाल ये था भाई इरफान नज़ीर का हम कैसे मिशन uh, के लिए आगे जा सकते हैं कार क्या है तो उसके लिए आप हमसे रहा कर सकते हैं डायरेक्ट भी उनसे बात कर सकते हैं और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर मिशन के लिए कॉलिंग हो आप अच्छे ईमानदार हों और इसमें एजुकेशन की कोई मुमानियत नहीं है बहुत शुक्रिया और कोई आप में से सवाल करना चाहें तो प्लीज आप uh, uh, हमारे पास एक क्वेश्चन है यस uh, yes, uh, प्लीज अपना नाम बताइएगा सॉरी अपना नाम बताइएगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सॉरी हाँ जी मेरा नाम रुबैक्का है और मैं कोहाट सेंटर से हूँ ए जी कोहाट जी जी और मेरा क्वेश्चन ये है कि आ, पास्टर नासिर के लिए मिसेज हूँ मैं जी. और मेरे हस्बैंड एक दिन हम जा रहे थे किसी जगह पे तो रिक्शे वाला जो है वो उसने हमें दावत दी उसने मतलब कहा कि मैं आज आपको दावत देता हूँ कि आप इस्लाम को कबूल करें तो आ, हम आ, हम उसको बता रहे थे कि वाहिद जो रास्ता है वो यसु मसीह है ईसा मसीह है तो हम उसको यसु मसीह की खुशखबरी बता रहे थे लेकिन जब वो बजाय कि वो हमारी बात सुनता वो उसने हमारी बात को इग्नोर करता रहा और वो अपनी बात मुसलसल जो है उसने जारी रखी और हमने उसको पूरी पूरी खुशखबरी सुनाई के जो निजात का रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह हैं जो ये जानते हैं और वो ही आसमानी और हम सब ने भी वहाँ जाना है और हम उसी को उसी के पैरोकार हैं जहाँ हमने जाना है तो हम मसीह के पैरोकार हैं हम उसके मानने वाले हैं और हम उसी को मानते हैं तो वो रिक्शे वाला जो है एकदम से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुआ और गुस्सा नाक भी हुआ और उसने फिर हमें बार बार यही कहा कि मैं आपको फिर आपको दावत देता हूँ कि आप जो है वो इस्लाम करें और को करें। और बहुत ज्यादा ना उसके उसने कहा कि आप ना इस्लामरत मा, तो यहाँ तक कि उसने धमकियाँ भी देना शुरू माजरत के साथ आप प्लीज अपना सवाल क्या पूछना चाहेंगी सॉरी तो क्वेश्चन ये है मेरा कि ऐसी सिचुएशन होती है जब वो हमें दावत देते हैं और हम ऐसे ऐसे इलाके में भी रहते हैं कि वो हमें भी करते हैं जी जी जी, जी तो हमें ऐसी सिचुएशन में उस वक्त क्या करना चाहिए जी जी थैंक यू इस कंडीशन आ... में हमें क्या करना चाहिए जबकि वो हमें ये धमकियां देते हैं कि आपको हम जानते हैं हमें ये भी पता है आप कहाँ रहते हैं और ये सारा कुछ मतलब जी अपनी जी. बात मनवाने के लिए वो हमें जो है वो डराते धमकाते भी थैंक यू थैंक यू आ... अच्छा सिचुएशन में हमें हम बेशक आ... हम डरते नहीं है और हम हमने बड़ी दलेरी के साथ यही हम यीशु मसीह का ही हमने इकरार किया आ, जी थैंक यू आपके सवाल का शुक्रिया से भी हमारे ये कॉलेज वाले हैं जी जी आप सवाल मुकम्मल हो गया बहन Uh, there's one question from uh, uh, Mrs. Rebecca Nasser, he's a pastor mm -hmm. and uh, his Mrs. is asking when we share the gospel with somebody, mm -hmm. they threatens us and they say we, we will kill you, we know where, do you, where you live and uh, we know your place, we know about your family and uh, we, will, uh, we will kill you, something like that so in that situation, when we are sharing the gospel, we receive threats from people. What should be our response? Yeah. DURKHAAS APNE MIC mm OFF -hmm. Karde. Luis, you, you answer first. <laughs> Um, my first response is bless you and thank you for being willing to share the gospel in, under such risk. I have never been in such a situation, so I can't really say. और मैं तो कभी इस तरह की सूरत हाल से दो चार नहीं हुआ और मैं इसमें कुछ भी शायद नहीं बता सकूंगा बट वेन यू शेयर लेकिन जब आप इस तरह की सूरत हाल में से गुजरे फिर आप उन सारे हीरोज़ में शामिल हो जाते हैं जिन्होंने माजी में खुदा के लिए बड़े-बड़े काम किए हैं। माय गॉड गिव यू करेज एंड ग्रेट मैं सिर्फ यही कहूंगा कि खुदा आपको दिलेरी दे हौसला दे कि आप आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू थैंक यू फॉर योर गेस्ट माय शॉर्ट केस माय शॉर्ट आंसर द सैथन It's threatening, you know, to threatening people not to share. और मेरा एक मुख्तर जवाब यह है कि दुश्मन इबलीस का तरीकाकार यह है कि वो लोगों को खामोश कराना चाहता है कि वो अंजील का पैगाम ना सुनाए सुनाएंगे

क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि कलाम में लिखा है कि आप गैर कमों में जाए और मनादी करें और ये हो गया सामिया जमीन के इतहास तक तो क्या जो गैर निजात याफ्ता है हम उनको यसु की बिशारत दे सकते हैं आ, तक कलाम लेके जा सकते हैं आ, किन तक बहन गैर निजात याफ्ता लोगों तक

So uh, the question is: Can we go to the non-believers, and should we reach out to them? Of course, <laughs> uh, yeah. Mm, Do no answer? doubt, of course. No, uh -huh. we are not only asking for Pakistanis go overseas, but I mean yeah. your own community or neighboring places. They're still; they need to be, you know, uh, listened. सो या या और जी का कह रहे जवाब ये है कि हमने जाना है अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन तक भी पहुंचना है और दुनिया में जो गैर ईमानदार हैं उन तक भी इकलाम को लेकर जाना है जी बहन यही सवाल था आपका सॉरी ओके ओकेम भाई हाँ जी वो हमारा असल में साउंड बंद हो गया था हाँ जी कोई बात नहीं सवाल यही था ठीक है हाँ जी उनका सवाल ये था असल में मैं क्लियर करना चाहता हूँ जी आ, हम गैर कौम हिंदुओं को मुस्लिम्स को कहते हैं या दूसरे जो मजाहब के लोग हैं उनको तो हमारा सिस्टर का क्वेश्चन ये था कि जिन्होंने अभी तक तोबा नहीं की हम भी तो गैर कौमों ही से निकले और मसीह को कबूल किया और जो लोग अभी तक नजात से गाफिल हैं या नजात से दूर हैं जिन्होंने नजात नहीं पाई तो वो भी क्या गैरقوم में ही इंक्लूड होते हैं और अगर हम उनमें मुनादी करते हैं तो क्या हम गैरقوم में मुनादी नहीं कर रहे आपका क्वेश्चन ये है कि जो मसीही हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अभी तक निजात नहीं पाई जी 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 अच्छा क्या उन तो हम गैरقوم में ओके ओके गॉट इट जी जी जरूर जरूर एक्चुअली द एक्चुअली देयर इज करेक्शन इन द क्वेश्चन सॉरी दे आर आस्किंग Uh, there are some people in pakistan they are called christians you can say nominal christians and uh, they still uh, they haven't repented they have not accepted christ as their lord should we call them non-believers or uh, uh, something like uh, the gentiles or non-believers what's your response about that please you go ahead <laughs> Well, of course, uh, we don't know the context fully to be able to answer fully. But our desire, our vision is that Christ would be known, loved, and worshiped by the unreached, by every people.

नाम निहाद मसी पैदा नहीं करने जो सिर्फ अपने आप को मसीही कहें बल्कि ऐसे लोग पैदा करने हैं जो यस्सु मसीह को हकीकतन जाने उससे मोहब्बत करें और यस्सु मसीह की बंदगी करें थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ये And, and then for my case, for my answer to for those people. Yes. I mean, like we like a nominal Christians, not only in their areas worldwide, even America, Korea, there are many, many people just naming nominal Christian. But if they have those kind of people nearby, don't abandon them, don't mm -hmm. condemn them. You are not believers, but make a fellowship with them and then any opportunity was given, share the word of God, pray together, so that uh, that person can can understand or can accept Jesus Christ as their real personal savior. ये तो दुनिया में यही माजरा है कि बहुत से नाम नहाद मसी है पूरी दुनिया में अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसे नाम नहाद मसी है जो अपने आप का मसी सिर्फ कहते हैं तो उन तक जरूर Uh, खुदा उनके कलाम को लेकर जाएं उसे छोड़ ना दें और ये ना कहें कि आप तो मसीही नहीं है आप रूहानी नहीं हैं, हैं बल्कि ज़रूर उन तक पहुँचें थैंक यू थैंक यू सो मच इज देर एनी अदर क्वेश्चन यस देर इज क्वेश्चन प्लीज सॉरी यस प्लीज यस जी

Okay, okay, thank you, thank you. There's one more question from Banu College and one student is asking when we reach out to the non-believers, first of all, they ask us this question, uh, you, you believe in three gods. So mm. most of the time they ask this question. So what should be our response to them? Yeah, that's very common uh, <laughs> question from Muslim people they, yeah. or even non-believers they're asking you believe God the Father and the God the Son and God the Holy Spirit. Yes, then uh, you cannot give them direct answer. It's very complicated, not easy to answer but that's why if those people asking there's a positive way, if they don't just completely neglect then you, you have no chance to explain. but if they say, you have a three gods. Then it's an opportunity for you to share how the God of Trinity. So there's opportunity. I mean, then you can take spend time with them. They are anyway they are religious people. You can spend time with them, and then you can teach them, biblical Bible truth through I mean, through a Bible, and then teach them Trinity, God of Trinity. Yes, it's a good opportunity for them. ओके ओके थैंक यू जवाब ये है कि इस तरह का सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा आम है और लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं लेकिन अगर कोई शख्स वाकई इसको सीखना चाहता है और हट दर्मी नहीं करता तो तो ज़रूर उसको खुदा सुनसी के तल्ल से खुदा की ज़ात के तल्ल से सिखाएं और ये आपके लिए एक अच्छा मौका होगा कि उसके साथ आप तलीम को बांटें लेकिन अगर वो हट दरमी करता है वो सिरे से मानना ही नहीं चाहता To peer up, up, is again, nobody. Thank you. Wow. I mean, right. if we were there, if we were there, we would have spent hours and days and days to share about or to answer your questions. Yes. Yes. Yeah. Good, very, very good questions. And uh, I mean, the very healthy question. We really appreciate your questions. Yeah. Thank you. Thank you. Uh, yes, please, uh, uh, Sister Nancy has a question. Yeah, please. Mm -hmm. um, we were actually listening <clears> throat> <to> throat> questions and your answers. <inaudible> but we were actually trying to think a bit ahead, and we need uh, advice and suggestions. Uh, like in pakistani context when somebody if he comes to believe in christ from a different background um, like it's it's difficult for pakistani church to have him or her in the fellowship in the church building like fellowship that's the right word to use but how can we establish setups in pakistan to give them constant teaching or Having an interaction with the person who comes from different faiths. And am specifically talking about the Muslim if they, if they believe in Christ, like it's difficult for them to continue with us. Uh, but what's the strategy? How can we keep on encouraging them and keep on? Like they are very baby believers, so they, 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 they need yeah nourishment I mean, as well so what what what's what your strategy does work have any strategy any plan or like we would like to know more about this maybe yeah, thank you maybe maybe uh, you, you need to explain to the uh, local language to the people what was the question uh, okay like? uh sorry can uh, sister manager miss kardia please urdu mein kar 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 tar, please Anyway, we understand the occasion with other okay, people. Okay, please, you can answer and then we can explain together. Well, yeah, maybe, maybe, yeah later you on. you go first. <laughs> hmm. Again, we don't know fully, your, we don't know your context, but um, in WEC we have, yeah, we don't have any one strategy. People use the strategies where they are. In Chad, we did have uh, Muslim background believers. Wonderfully, they came to Christ. There was also a national Chadian church of a different ethnicity. Wait for translation and I'll finish. Okay. okay. question uh, was for all of you. sister asked if तो हम फिर उसकी किस तरह से परवरिश कर सकते हैं किस तरह से उनको तालीम दे सकते हैं तो जवाब ये है कि मतन जो है वो जो आपका इलाका है वो थोड़ा मुख्तलिफ है हम इससे वाकिफ नहीं हैं लेकिन हमारे इलाके में जहाँ पर चार्ड में अफ्रीका में वो का मिशनरी काम करते रहे मिशनरी के तौर पर वहाँ पर उन्होंने कुछ तरीक़ाकार बनाया जिसके जिसकी मदद से वो नए ईमानदारों को सिखाते हैं तालीम देते हैं यस प्लीज़ Our first reaction was to bring them into the national church. Our first thought. But like you have just explained, it didn't fit very well. Uh, they were uncomfortable, the church was uncomfortable. और लेकिन आपने जैसे सवाल किया कि क्लिसिया में जब कोई गैर ईमानदार कोई दूसरी कौम से आता है तो वो अच्छा महसूस नहीं करता और फिर आप लोग भी अच्छा महसूस नहीं करते तो इसी तरह से yes, so like और फिर इस सूरत हाल में हमने एक रफाकत का आगाज किया अपनी क्लिसिया के अंदर

तो उनकी जुबान में ही हम छोटी सी रफाकत का आगाज करते और अपने जो रहनुमा होते अपने कलीसिया के बड़े रहनुमा उन्हें हम बुलाते और वो फिर इस छोटे से ग्रो से खुदा के कलाम की बातें करते तरह से वो एक तरह से अलग भी हैं लेकिन उनका ताल्लुक हमारी एक मजमुई क्लीसियाई ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम के साथ भी जुड़ा होता है मुंसलिक होता है ये सिर्फ एक मिसाल है और हो सकता है इस तरह की और भी कई मिसालें हों ओके थैंक यू थैंक यू सो मच यस प्लीज Yes. If you don't have any question, uh, then over to you, uh, Reverend Jeff Yoon. Mm -hmm. yep. Okay. Um, yeah. Thank you for your um, the passionate the presentation and like asking questions and answering all the stuff. Thank you. Everything. और आप सबके दिलचस्प सवालों के लिए और जो जवाब दिए गए उन सब के लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं But before we finish, I... इससे I पहले के a... आज हम खत्म करें यहाँ पर few more important stuff. और चंद एक अहम बातें हम आपके साथ करना चाहेंगे

And according to what are what the four speakers actually um, emphasize that our mission has to be continued because the Great Commission has not completed yet. Speakers, uh, uh, work, growing, growing now, not so we have to work together as a partner

और इसका जवाब एक मुख्तर जवाब है कि आपने सब ने मिलकर मुसलसल दुआ करनी है सो इन और There's a IMM monthly prayer meeting taking place in Lahore. और ऐसा करने के लिए आप सब सो को अगा किया जाता है कि IMM की तरफ से लाहौर में महाना दुवाईया मीटिंग का आगाज किया गया है. So let me introduce Reverend uh, Yusuf Basim as I mentioned to you, the IMM coordinator in Pakistan. Or Pakistan me IMM coordinator. And Yusuf is the one who's arranging this prayer meeting. Or ibadat ka Yusuf, do you want to say something about this? yes, please. और इस दुआया मीटिंग का मकसद यह है कि हम मुख्तलिफ बाइबल कॉलेज में और सेमनरीज में और चर्चेज में जाएँ और वहाँ पर जाकर आई एम एम की तरफ से हम एक दुआया मीटिंग का इनका करें और उसमें बाज़ात हम इसी तरह ऑनलाइन कोरिया से और दीगर ममालिक से जो पासबान हैं या मिशनरी हैं उन उनसे मतलब कलाम सुनते हैं और फिर हम मिलकर दुनिया के लिए और जिन जिन ममालिक में मिशन की ज़रूरत है उनके लिए दुआ करते हैं और अभी तक हमने जनवरी में इसका आगाज किया और रेवरन ब्योंक ने उसमें कलाम की खिदमत पेश की और हमने मुख्तफ ममालिक के लिए बांग्लादेश चाइना के लिए और दिग ममालिक के लिए दुआ की फिर फरवरी में आ, मेरी यूनिवर्सिटी से एक उस्ताद थे प्रोफेसर थे उन्होंने कलाम की खिदमत की और अब मार्च में भी एक और इंटरनेशनल स्पीकर हैं वो इसमें खिदमत पेश करेंगी तो हम इसमें भी लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में और दुआ करेंगे अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या आपके चर्च में इसी तरह से एक किसी भी महीने में दुआ की जाए इस तरह से आई एम एम की तो हम मिलकर वहाँ पर दुआ करेंगे और मुमकिन है किस में से कोई एक हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हो यस प्लीज थैंक यू एंड I think might have asked me and asked other people about the um, the um, the all the sessions has been recorded. Yes, um, I recorded everything and um, I gave two uh, video clips to um Yusuf and Imran and Ujala. And Bas uh look uh Kuch logo ne ki lectures ki recording hai to yukinan insare lectures ki recording और uh, मैंने रेवरेंड इमरान रेवरेंड उजाला और भाई वसीम को ये सारी रिकॉर्डिंग दी है तो आप इनसे कर सकते हैं और ले सकते हैं YouTube those people. और ये सारे जो लेक्चर हैं ये YouTube पर होंगे और इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा अगर आप चाहें तो जरूर आ, कर सकते हैं

and lastly, um, there's another stuff that I have to mention before we finish this conference. I told you this is not the end, but there'll be another event called IMM Mission Forum who will be taking place soon. And I told you that this is not the IMM Mission Forum

और इसके ताल्लुक से तारीख का अभी कोई डेट मुख्त नहीं की गई लेकिन बहुत जल्द हम इसका इनका करेंगे और आपको इसके ताल्लुक से आगाह कर दिया जाएगा And finally, the speaker for the second session today, Pyongu, you will be do the closing prayers and benediction for us. Okay. और आखर में Pyongu दुआ करेंगे और हमें हमें रुक्सत के कल, दुआया कलमात से रुक्सत करेंगे. Thank you, Lord Jesus. Thank you for this time. Though we are living distance, but Lord, you have given us one heart, one vision, and one goal for your kingdom's sake. हम तेरा शुक्रिया दा करते हैं गर्चे हम बहुत ज्यादा फासले पर हैं लेकिन तूने हम सब को एक दिल दिया है एक ही बुलावा दिया है ताकि हम तेरा काम करें

Till we come to that time. May the grace of the Lord Jesus Christ and love the Father Almighty and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forever. अब हमारे खुदांदमसी का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और रहे पाक की रफाकत और जगानगत आप सब के साथ हमेशा तक रोती तो तो रहे आमीन। आमीन थैंक यू और अपने माइक आप अनम्यूट करके और जोरदार तालियों में इन सब का शुक्रिया अदा कर सकते हैं और खुदा उनके जलाल के लिए और इन सारे में उनके लिए वी आर सो मच थैंकफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल कॉन्फ्रेंस फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच नाइस मीटिंग यू 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 ऑल वी विल विल सी सी सून सून सो आई बाय Bye-bye. God bless you. Bye -bye. Thank you. Thank, thank you. you. Bye bye. We love bye. you. God bless you. God bless you. Bye-bye. <laughs> 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 Bye-bye. <laughs> <laughs>